ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय साम्यावस्था की ओर उद्गमन। ये भी डायरेक्टली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर ऊष्मीय साम्यावस्था की ओर उद्गमन को समझाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये प्राइम कहाँ लगा हुआ है, बार कहाँ लगा हुआ है, प्राइम कहाँ लगा हुआ है और टिल्ड कहाँ लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इंग्लिश वाले स्कैन में क्लियर है, तो वो इक्वेशन जो है वो इंग्लिश वाले से देख लेंगे, बाकी सब जो लैंग्वेज है वो यहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए, हमने देखा कि निकाय ए में ई की जो प्रायिकता है वो ई इज इक्वल्स टू ई टिल्ड पर मैक्सिमम होती है। यस, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जो ग्राफ था हमारा, वो ग्राफ कैसा था, वो हमारा ग्राफ था कुछ इस तरह से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी और ये ए के लिए बनाया था, और ये जो मैक्सिमा था ये कितना था, ई इज इक्वल्स टू ई टिल्ड पर। ठीक है, तो ए जो निकाय है उसकी एनर्जी ई इज इक्वल्स टू ई टिल्ड पर मैक्सिमम थी। ये यहां से हमें समझ में आ गया, अर्थात साम्यावस्था पर निकाय की ऊर्जा, साम्यावस्था पर निकाय की ऊर्जा इज इक्वल्स टू ई टिल्ड के तथा दूसरे निकाय की ऊर्जा ई टिल्ड प्राइम जो है वो ई स्टार माइनस ई टिल्ड के अति निकट होती है। इस लाइन का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जब साम्यावस्था होती है तो जो ए निकाय होगा उसकी एनर्जी, जो ए निकाय होगा उसकी एनर्जी तो ई टिल्ड होगी, ठीक है, और जो ए प्राइम निकाय होगा, ए प्राइम निकाय होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ई टिल्ड प्राइम, करेक्ट। और ई टिल्ड प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, ई स्टार माइनस ई टिल्ड, क्योंकि टोटल एनर्जी में से ए निकाय की एनर्जी माइनस करेंगे तो किसकी आ जाएगी, ए प्राइम की आ जाएगी। ओके, ये लाइन समझ। अब थर्मल कांटेक्ट की स्थिति में दोनों निकायों को थर्मली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाए, उसमें निकायों की माध्य ऊर्जाएं हमेशा ई टिल्ड और ई टिल्ड प्राइम के बराबर होनी चाहिए। थर्मल कांटेक्ट की स्थिति में ई टिल्ड और ई प्राइम के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कह रहा है कि आपके पास जो एवरेज एनर्जी है, ये रही एवरेज एनर्जी, यहाँ पे ए निकाय की बात हो रही है, वो तो है किसके इक्वल, ई टिल्ड के इक्वल हो जाएगी, और जो प्राइम वाले, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो इक्वेशन वन देखो, जब दोनों को थर्मल कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ए निकाय की एवरेज एनर्जी जो है वो तो ई टिल्ड के बराबर हो जाएगी, और प्राइम वाले की जो एवरेज एनर्जी है वो प्राइम टिल्ड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो हम थर्मल कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, नाउ लेट अस कंसिडर द केस। अब यहां पर दूसरा केस देखो, अब ऐसी अवस्था पर विचार करते हैं जिसमें निकाय ए और ए प्राइम पहले अलग अलग साम्यावस्था में है और परस्पर विलगित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि अब जो अवस्था हम ले रहे हैं उसमें हमारा ए निकाय अलग था और हमारा ए प्राइम निकाय अलग था। हम ये देख रहे हैं कि ये भी साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, और ये भी साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, दोनों साम्यावस्था में है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, अलग अलग साम्यावस्था में है, फिलहाल दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं है। तो वापस पढ़िए ये इक्वेशन वन के नीचे, कि ऐसी अवस्था पर विचार करते हैं जिसमें निकाय ए और ए प्राइम पहले प्रारंभ में अलग अलग साम्यावस्था में है और विलगित है, विलगित कर रखा है मैंने दोनों को, अलग कर रखा है। इस वक्त इनकी माध्य ऊर्जाएं जो है वो ई आई और ई आई प्राइम है, जो कि मैं यहां दिखा देती हूँ आपको, कि इस वक्त ए और ए प्राइम जो है वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है और इनकी एवरेज एनर्जी ई आई और ई आई प्राइम है। ठीक है, नाउ बोथ द सिस्टम आर केप्ट इन थर्मल कॉन्टेक्ट। अब दोनों निकायों को एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टेक्ट में हम लेके आ गए। अब थर्मल कॉन्टेक्ट में जैसे ही लेके आएंगे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन देम। ठीक है, द एनर्जी ऑफ बोथ द सिस्टम चेंजेस इन सच अ वे दैट प्रोबेबिलिटी बिकम मैक्सिमम। अब इसको मैं हिंदी में भी एक बार दिखा देती हूँ, कि अब दोनों निकायों को ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, संपर्क में रखने से इनके बीच में ऊर्जा का विनिमय होगा, इन निकायों की ऊर्जा में परिवर्तन इस तरह से होगा कि जो दोनों को मिलके निकाय बनेगा उसकी प्रायिकता अधिकतम हो जाए। क्योंकि क्यों होगा प्रायिकता अधिकतम, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि साम्यावस्था में थर्मल
प्रायिकता अधिकतम होती है और साम्यावस्था में एंट्रोपी भी अधिकतम होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अच्छा आपको अगर कई बार कंफ्यूजन हो कि एंट्रोपी तो किस चीज को मेजर करती है कि कोई चीज कितनी अच्छे से अरेंज है, तो साम्यावस्था पर तो एंट्रोपी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना क्या आएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि एंट्रोपी मिनिमम कब होती है, जब पार्टिकल आराम से एक रेगुलर स्ट्रक्चर में अरेंज है। ये सिस्टम जो है वो आपके पास अरेंज है अच्छा खासा, राइट, इसकी एंट्रोपी क्या है, मिनिमम है, लेकिन ये साम्यावस्था नहीं है। साम्यावस्था क्या होती है, जब आपने किसी गैस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, और आप खुद बताइए जिस कमरे में आप है उस वक्त क्या गैस के एटम ऐसे चुपचाप बैठे हैं लाइन में बिना किसी फोर्स के? इस वक्त आपके कमरे में जो गैस है वो साम्यावस्था में है, गैस के पार्टिकल क्या ऐसे अरेंज है? नहीं, गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा डिसऑर्डर रहते हैं जब वो साम्यावस्था में होते हैं, क्योंकि साम्यावस्था में उनपे कोई फोर्स नहीं लगता है और वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। और जब साम्यावस्था में होता है इंसान, तो वो अपनी जहां मर्जी चाहे वो वहां बैठना चाहेगा। एक क्लासरूम से कंपेयर कीजिए कि जब टीचर प्रेजेंट होता है क्लास में, तो टीचर एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सब बच्चे जो है बिल्कुल लाइन में बैठे होते हैं शांत अवस्था में, क्योंकि तब उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वो जो अवस्था है उसे साम्यावस्था नहीं कह सकते, क्योंकि अभी टीचर का फोर्स वहां पे लग रहा है, टीचर के डर की वजह से आप एक लाइन में बैठे हैं। जब वो टीचर वहां से चला जाता है, तो उसके बाद का माहौल आप क्लास का देखिए, कोई अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ मिलता है, फर्स्ट बेंच वाला लास्ट बेंच पे, बिल्कुल क्लासरूम एकदम डिसऑर्डर हो जाता है। वो साम्यावस्था होती है, और साम्यावस्था में सब कुछ तीतर बीतर बिखर जाता है, तो उस एंट्रोपी को हम बोलते हैं मैक्सिमम। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, और एंट्रोपी मैक्सिमम होने वाली कंडीशन में प्रायिकता भी मैक्सिमम होती है। ये तो हमने प्रूफ पिछले लेक्चर में कर ही दी है, पर आप खुद समझिए ना, अगर आप एक कमरे में किसी गैस को छोड़ देते हैं, मान लीजिए रिलीज कर देते हैं, तो क्या चांसेस है कि वो इस स्टेट में आएगी अपने आप या इस स्टेट में? मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता उसकी इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली इस वाली प्रायिकता, इस वाली स्टेट में आने की प्रायिकता ज्यादा होगी, यानी अधिकतम एंट्रोपी में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन जो होती है वो अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था होती है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि अधिकतम एंट्रोपी, साम्यावस्था और अधिकतम प्रायिकता तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो जब ए और ए प्राइम को पास में लाया, तो ऊर्जा एक्सचेंज हुई, और ऊर्जा ऐसे एक्सचेंज होगी कि प्रायिकता क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए, क्योंकि सबको कंफर्ट चाहिए, सारे पार्टिकल्स को, कि ए निकाय है, बी निकाय है, एनर्जी का एक्सचेंज इस तरह से होगा, पार्टिकल्स मान लीजिए एक्सचेंज इस तरह से होंगे कि प्रायिकता अधिकतम हो जाए, क्योंकि प्रायिकता अधिकतम वो वहां होती है जहां वो सुकून से रहते हैं, और सुकून कभी भी एक रेगुलर लाइन में किसी के दबाव में आके बैठने से कभी नहीं होता है। हर इंसान फ्री लाइफ जीना चाहता है। चलो, फिलोसॉफिकल बातें बाद में। ओके, अंतिम अवस्था पर पहुंचने पर जब उनका एक्सचेंज जितना करना होगा वो कर लेंगे। अब अंतिम अवस्था आ चुकी है, अंतिम अवस्था में दोनों कॉन्टेक्ट में हैं, जितना एक्सचेंज होना था वो हो चुका है, और उनकी जो माध्य ऊर्जा है वो ईएफ और ईएफ प्राइम हो जाती है। तो साम्यावस्था पर, अब ये साम्यावस्था कैसी है, अब दो साम्यावस्थाओं की बात मैंने करी है यहाँ पे, कि पहले निकाय ए और ए प्राइम एक दूसरे से आइसोलेटेड थे, ये भी साम्यावस्था में था, ये भी साम्यावस्था में था। अब इन दोनों को हम कॉन्टेक्ट में लेके आए, तो ए और ए प्राइम ने आपस में एनर्जी एक्सचेंज करी, और अब दोनों मिलके एक कॉमन इक्विलिब्रियम में आ गए। इस वक्त इसकी एनर्जी थी ई आई और इसकी थी ई आई प्राइम, अब इसकी हो जाएगी ई एफ और इसकी हो जाएगी ई एफ प्राइम। पर क्योंकि इस वक्त साम्यावस्था थी, तो एनर्जी अधिकतम प्रायिकता वाली एनर्जी थी, इसलिए हमने लिखा था E tilde था, ठीक है, और इसका भी कितना था, E tilde था, बट ये प्राइम था और ये विदाउट प्राइम था। फाइनल स्टेज में क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है, और इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी होती है वो हमेशा tilde वाले साइन से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो इसकी हो जाएगी E tilde F और इसकी हो जाएगी E tilde F और साथ में प्राइम। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, कि ये देखिए कि अब इनकी स्थिति क्या हो जाएगी। फाइनली देयर एवरेज एनर्जीज बिकम ई एफ और ई एफ प्राइम, तो एट इक्विलिब्रियम इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी भी ई टिल्ड हो जाएगी और इसकी ई टिल्ड प्राइम हो जाएगी यहां पे, करेक्ट, हमारे पास ये हो जाएगा। नाउ
वी नो दैट एट थर्मल इक्विलिब्रियम बीटा पैरामीटर ऑफ बोथ सिस्टम बिकम इक्वल. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि साम्यावस्था में बीटा जो था वो बीटा प्राइम के बराबर था. तो फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बीटा एफ और बीटा एफ प्राइम बराबर हो जाएंगे. तो बीटा एफ जो है वो तो ई एफ का इसका फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ए निकाय के लिए, और यहाँ आई की जगह एफ आएगा, ये मिसटाइप है ठीक है. और ये जो आपका बीटा प्राइम है वो किसका आ जाएगा, बीटा ई एफ प्राइम का फंक्शन आ जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ठीक है. हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी का जो टोटल होता है वो मैक्सिमम होता है. हमने देखा है कि जब साम्यावस्था होती है तो दोनों निकायों की टोटल एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है. तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें फाइनल एंट्रोपी देखनी है तो फाइनल एंट्रोपी देखो ए निकाय की, ए निकाय की फाइनल एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया गया है एस, क्योंकि वो ए निकाय की एंट्रोपी है, और क्योंकि वो फाइनल एंट्रोपी है इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, ई एफ एवरेज ठीक है. और ए प्राइम की एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी निकालनी है ना, कब निकालनी है, ये फाइनल एंट्रोपी है और ये आपकी इनिशियल एंट्रोपी है ठीक है, जब दोनों अलग अलग थे और अब दोनों फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गए. और इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम हो जाती है, तो मैक्सिमम होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि फाइनल एंट्रोपी जो है दोनों की टोटल जो है, और ये उनकी इनिशियल एंट्रोपी थी जब वो अलग अलग थे, हालांकि तब भी वो इक्विलिब्रियम में थे लेकिन एक साथ एक सिंगल निकाय जो था वो सिंगल निकाय इक्विलिब्रियम में नहीं था. ए अलग से इक्विलिब्रियम में था, ए प्राइम अलग से इक्विलिब्रियम में था, कब, इनिशियली. फाइनली क्या है, दोनों मिलके एक कंबाइंड सिस्टम बना दिए हैं और वो इक्विलिब्रियम में है. तो फाइनली जो एंट्रोपी होगी वो इनिशियल दोनों की, इनिशियल क्या है, ए की एंट्रोपी अलग ली जा रही है और ए प्राइम की एंट्रोपी अलग ली जा रही है, और इन दोनों का टोटल किया जा रहा है, और उस एंट्रोपी से ज्यादा ही होगी फाइनल एंट्रोपी, क्योंकि फाइनल एंट्रोपी जो है वो साम्यावस्था पे ली जा रही है, और ये साम्यावस्था टोटल दोनों को मिला के बनने वाले निकाय की साम्यावस्था है. जो शुरुआत में साम्यावस्था थी उसमें ए अलग साम्यावस्था में था, ए प्राइम में साम्यावस्था में थे, बट ये दोनों आपस में साम्यावस्था में नहीं थे, ये चीज आपको समझनी है. तो शुरुआती एंट्रोपी ए निकाय की यहाँ पे एस ई आई है और ये एस प्राइम ई आई प्राइम हो जाएगा, और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है. ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एस प्लस एस प्राइम फाइनल जो है और एस प्लस एस प्राइम इनिशियल जो है, इनिशियली क्योंकि हमें पता है ये दोनों मिला के इक्विलिब्रियम में नहीं थे, अब ये दोनों मिला के इक्विलिब्रियम में है तो ये एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि ये इनिशियल से तो ज्यादा ही होगी, और ज्यादा ना भी रही तो कुछ कंडीशंस में ये बराबर भी होती है, बराबर कब होती है वो अपन देख लेंगे, लेकिन ये हमेशा इससे ज्यादा होगी. तो ये कंडीशन अपन को मिल गई, थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वाले पार्ट को, एक मिनट, ओके ये जा नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेती हूँ. इस वाले ई आई प्राइम को तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज किया अपन ने, इस एस वाले ई आई प्राइम को इधर लेके आ जाएंगे और इसको ई आई प्राइम को इधर लेके चले जाएंगे, और फिर दोनों को एक साइड में ले लेंगे, या फिर इन दोनों टर्म को आप एक साइड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. इस ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अब ये देखो जो फर्स्ट के दो टर्म हैं, इसमें जो दोनों एंट्रोपी है वो एस है, यानी ए निकाय की बात हो रही है तो उसकी एंट्रोपी में चेंज डेल्टा एस हो गया, और यहाँ पे दोनों में एस प्राइम लगा हुआ है तो वो ए प्राइम की बात हो रही है तो डेल्टा एस प्राइम आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जहां डेल्टा एस इसको रिप्रेजेंट किया है ए निकाय की चेंज इन एंट्रोपी, और डेल्टा एस प्राइम ए प्राइम निकाय की चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा ठीक है. तो अब हमें एक चीज और पता है कि ए और ए प्राइम जो है जब एक एनर्जी एक्सचेंज कर साम्यावस्था में आ जाते हैं तो संयुक्त निकाय जो होता है उसकी एनर्जी टोटल हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो फाइनली एनर्जी ये हो रही थी और इनिशियल एनर्जी हो रही थी तो इनका टोटल तो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा. तो फाइनल वाले को एक साथ लिख लो, इनिशियल वाले को, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल ए के लिए और फाइनल माइनस इनिशियल ए प्राइम के लिए, वो जीरो हो जाएगा. अगर ये मान लीजिए अवशोषित ऊष्मा के बराबर है तो ये क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्यू प्राइम को करेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्यू प्लस क्यू प्राइम जीरो आ जाएगा और क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू प्राइम आ जाएगा. तो हमें पता है कि क्यू धनात्मक है तो ए ने ऊष्मा का अवशोषण किया है और क्यू प्राइम ऋणात्मक है यानी कि ए प्राइम द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाएगा. इक्वेशन 6 से स्पष्ट होता है कि ए द्वारा अवशोषण जितना होता है दूसरे निकाय द्वारा बराबर मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा. इन कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि अन्योन्य क्रिया करने वाले दो निकायों के बीच में दो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है,
वो दो स्थितियां पर आने से पहले एक बार इंग्लिश का थोड़ा सा वर्जन देख लेते हैं। सो ये वाला पार्ट तो हमने कर ही लिया यहाँ पे, ठीक है। होल्ड ऑन, मैं इसको शो कर देती हूँ शुरू से, है ना, मुझे तो शुरू से करना पड़ेगा। एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम, पहले ये वाला देख लीजिए आप पोज करके, उसके बाद ये वाला पोर्शन देख लीजिए। इक्वेशन 4 के बाद चलते हैं। फाइव तक आ गए अपन, सिक्स तक आ गए, और नीचे लिखा हुआ है दैट समरीली इट कैन बी सेड दैट देर आर टू पॉसिबिलिटीज इन इंटरेक्टिंग सिस्टम। दो पॉसिबिलिटीज हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या होगी, ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को पहले हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों की, ध्यान से समझिएगा कि दो तरह के केसेस हमने पढ़े हैं, अगर ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय यानी कि ए और ए प्राइम की प्रारंभिक माध्य ऊर्जाएं इस तरह है कि शुरुआत में ही उनका जो बीटा फैक्टर है वो बराबर है, शुरुआत में ही इसका भी मतलब ये है तो अलग अलग कॉन्टेक्ट में नहीं है, बट जो इसका बीटा है और जो इसका बीटा है वो दोनों के शुरुआत में ही बराबर है, तो उस कंडीशन में इनिशियल एनर्जी जो है वो आपकी इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई टिल्ड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, दोनों की ही एनर्जी ई टिल्ड के इक्वल हो जाएगी। और इस स्थिति में प्रायिकता और एंट्रोपी दोनों उच्चतम होंगे, दोनों उच्चतम होंगे क्योंकि अगर आप इनको कांटेक्ट में भी लाओगे, शुरुआत में अगर बीटा बीटा प्राइम के बराबर है यानी कि टी और टी प्राइम बराबर है, अगर शुरुआत में टी और टी प्राइम बराबर है तो टच में भी ले आओगे तो टेम्परेचर सेम है तो दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज क्यों होगा। तो दूसरे शब्दों में दोनों निकाय परस्पर साम्यावस्था में ही रहेंगे और जोड़ने पर भी उनके बीच में किसी तरह की ऊष्मीय ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सिस्टम अपन ने रखे हैं और पहले सिस्टम का टेम्परेचर भी मान लीजिए 20 डिग्री है, दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, यानी इसका बीटा और इसका बीटा बराबर है, अब दोनों को चाहे जोड़ दो तो भी दोनों के बीच में साम्यावस्था वैसी की वैसी बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ किसी तरह का एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरे केस में अगर निकायों की माध्य ऊर्जा इस प्रकार है कि शुरुआत में उनके बीटा इक्वल नहीं है तो ऊष्मीय संपर्क करने के बाद वो साम्यावस्था में नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ए की साम्यावस्था पहले फिक्स थी, ये अपने चुपचाप इक्विलिब्रियम में बैठा था, और ए प्राइम जो है ये भी अलग से इक्विलिब्रियम में बैठा था यानी साम्यावस्था में थे, पर अब दोनों का बीटा डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों ये 20 डिग्री पे है, ये 40 डिग्री पे है, और ये 20 डिग्री पर साम्यावस्था में है और ये 40 डिग्री पर साम्यावस्था में है, बट अगर अपन इनको ऊष्मीय संपर्क में लाएंगे, थर्मल कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो इसकी साम्यावस्था बिगड़ेगी और इसकी साम्यावस्था भी बिगड़ेगी, तो दोनों की साम्यावस्था स्थिति में नहीं रह पाते हैं और उनकी माध्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होगा, और इन दोनों के बीच में ऊष्मा विनिमय तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के बीटा पैरामीटर बराबर नहीं हो जाते। एनर्जी जो है वो ई टिल्ड के बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि ई टिल्ड एनर्जी कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो साम्यवस्था तभी आएगी ना जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और बीटा प्राइम बराबर हो जाएंगे तब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो इसके पश्चात ऊष्मा विनिमय रुक जाता है। तो दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, आई होप अपन को समझ में आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताप की अभिधारणा और ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो हमने अभी तक देखा कि जो बीटा पैरामीटर है उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, पहला तो ये था कि अगर दो निकाय अलग अलग साम्यावस्था में हैं और इन्हें कॉमन पैरामीटर बीटा से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि दोनों निकाय अगर अलग अलग साम्यावस्था से है और इनके समान प्राचल है बीटा से व्यक्त किया जाए, तो यानी इनका दोनों का बीटा इक्वल है, दोनों का बीटा अगर इक्वल है तो ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी उनके बीटा सेम ही रहेंगे, ठीक है, और उनके मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है अर्थात वे साम्यावस्था में रहते हैं, ये केस फर्स्ट था। अगर दो निकाय अलग अलग साम्यावस्था में है पर उनके बीटा पैरामीटर समान नहीं है तो ऊष्मीय संपर्क होने पर उनके बीच में साम्यावस्था नहीं रहती है और ऊष्मा का विनिमय होता है, करेक्ट। ये चीज यहां पर दोनों कंडीशन देख लीजिए जो कि हमने पढ़ रखी थी। सॉरी मेरे रूम में एक्चुअली छिपकली है, लिजार्ड है, तो मेरा बार बार को ध्यान उधर जा रहा है। ओके okay.
अब हम जीरोथ लो को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम तीन सिस्टम लेते हैं एबीसी, जो कि अलग अलग साम्यावस्था में है, मतलब ए अलग से साम्यावस्था में है, बी अलग से साम्यावस्था में है, सी अलग से साम्यावस्था में है, मतलब तीनों में कोई हलचल नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं, सी को ए के साथ में ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, और इन निकायों के बीच में ऊष्मीय विनिमय अगर नहीं होता है, तो ये तभी हो सकता है जब इनके बीटा पैरामीटर बराबर हो, तो बीटा सी और बीटा ए बराबर रहेगा। अब यही निकाय सी जो है, अगर इसको बी के साथ ऊष्मीय संपर्क में रखने पर भी निकायों के बीच ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, तो बीटा सी और बीटा बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि निकाय ए और बी में भी अगर ऊष्मीय संपर्क करा दिया जाए, तो उनके बीच में भी किसी प्रकार का ऊष्मा विनिमय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बीटा सी और बीटा ए बराबर था, और बीटा सी बीटा बी के बराबर था, सॉरी, ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, तो दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम। तो बाय डिफॉल्ट यानी सी निकाय को पहले ए के साथ कांटेक्ट में रख लो, देख लो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी दोनों के बीटा सेम है। इसी सी को उठा के बी के साथ में कांटेक्ट में रख लो, ए और बी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है फिलहाल, तो बिना रिश्ता किए, बिना संपर्क में लाए, खुद कह दो कि ए और बी को अगर संपर्क में लाया जाएगा तो कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि उनका बीटा पैरामीटर क्या होगा, सेम होगा। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, यानी दो निकाय कौन से, ए और बी, किसी तीसरे निकाय यानी सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में, यानी ए बी सी के साथ साम्यावस्था में है, बी बी सी के साथ में साम्यावस्था में है, तो वे आपस में भी साम्यावस्था में होंगे, यानी ए और बी आपस में भी साम्यावस्था में होंगे। और यह है एक नियम है जिसे कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। इंग्लिश में देख लो ये वाला पोर्शन जो मैंने कराया है अभी तक, जो लिखा है यहां से लेकर यहां तक, और जो इसका नियम है, वो नियम हमारे पास आ जाएगा यहां से, ये बोल्ड किया हुआ है, बस ये जीरोथ लॉ है। ओके, सॉरी, मैं छिपकली भगाने गई, चली गई। तो इसका मतलब बीटा जो है ऐसा पैरामीटर है जो कि ऊष्मीय संतुलन में निकायों के लिए समान रहना चाहिए, यानी कि दो निकाय अगर संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो बीटा जो है वो सेम होना चाहिए। और बीटा क्या होता है, बीटा जो है वो टी से रिलेटेड होता है, राइट? तो बीटा से रिलेटेड जो राशि होती है टी, उसे हम क्या बोलते हैं, परम ताप कहते हैं। तो इसका मतलब अगर दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में रहने पर संतुलन में बने रहते हैं, और उनके बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, तो उनका बीटा सेम होगा, और इनडायरेक्टली क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी सेम होता है, ठीक है? इनडायरेक्टली क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। और इस नियम के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे उपकरण जिनके द्वारा यह ज्ञात करना संभव हो कि कोई दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में लाने पर ऊष्मा का विनिमय करेंगे या नहीं करेंगे, अर्थात वे साम्यावस्था में है या नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, तापमापी कहलाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर मेजर करेंगे। सो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये रहा आपके पास, ठीक है? टेम्परेचर की, थर्मोमीटर की डेफिनेशन आएगी आपके पास। समरी में एक बार देख लेते हैं, समरी में क्या क्या डेफिनेशन आ सकती है हमारे पास इससे रिलेटेड। यस, ये माइक्रोस्टेट अपन कर लिया, माइक्रोस्टेट कर लिया, थर्मल इंटरेक्शन, जनरल इंटरेक्शन प्रिंसिपल ये भी कर लिया था। यस, टेम्परेचर एंट्रोपी, हाँ, जीरो लो। यहाँ पर देखिए एग्जाम में अगर पूछा जाता है जीरो लो बताइए, तो आपको सिर्फ, हाँ, कुछ भी नहीं कर रखा, सिर्फ जीरो लो दे रखा है, थर्मोमीटर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ जीरो लो दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्मोमीटर की डेफिनेशन वहीं से देनी है आपको, बता देती हूँ मैं आपको कहाँ से कहाँ तक लिखनी है। यस, ध्यान रखिएगा, ये उपरोक्त नियम की जगह क्या लिखोगे आप, शून्य वे नियम के आधार पर, ऊष्मा गतिकी के शून्य नियम के आधार पर
कार्य करने वाले ऐसे उपकरण जिनके द्वारा यह ज्ञात करना संभव हो कि दो निकाय ऊष्मे संपर्क में लाने पर ऊष्मा का विनिमय करेंगे या नहीं करेंगे, अर्थात वे साम्यावस्था में है या नहीं है, तापमापी कहलाते हैं। आगे वैसे इसकी और डेफिनेशन आ जाएगी और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द डिवाइसेस बेस्ड ऑन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स by which it is possible to find any two systems will exchange heat or not when they are placed in contact with each other is called thermometer। अब इसकी properties जो exam में पूछी जाती है, परम ताप के गुण, जब तक शिपकली नहीं आती है तब तक मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है, उसके बाद next session lecture में continue करेंगे otherwise। Okay, तो सबसे पहले absolute temperature की definition देखते हैं। Absolute temperature की जो definition है वो क्या थी, 1/kT जो था वो beta के equal था और बीटा का फॉर्मूला हमने निकाला था डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा ई, जहां पर ओमेगा ई जो था वो रेपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं आगे देखो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी वन में सीधा पहले तो इक्वेशन वन लिखो। अब क्योंकि यहां पर देखिए कि टेम्परेचर कभी सोचो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये है इक्वल है बीटा के इक्वल और बीटा इक्वल है 1/kT। के जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और टी टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि -20°C नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 200 मतलब केल्विन में उसको कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा और 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक अभी तक फिजिक्स अचीव नहीं, अपन मतलब वर्ल्ड में कहीं पर 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव हुआ ही नहीं है, तो माइनस में तो कहां से होगा। तो टी केल्विन में होता है कि ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो बीटा हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से ये प्रॉपर्टी हमेशा पॉजिटिव होगी। इस प्रकार सभी सामान्य निकायों का जो परम ताप होता है केल्विन में वो हमेशा धनात्मक होगा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हम चलते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है परम ताप के परिमाण के आकलन के लिए ओमेगा की ऊर्जा ई पर अप्रोक्सीमेटली जो डिपेंडेंस होती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। अब इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसमें अपन नहीं जाएंगे, मैं सब समझा देती हूँ बस आपको कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, फॉर द स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, फर्स्ट वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जो है उस पे अपन है। तो ओमेगा जो है वो ई पर जो डिपेंडेंसी होती है, अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंस होती है, वो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से दी जाती है, जिसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की किसी अच्छी रेफरेंस बुक में इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, बट यूजी में भी हमारा काम नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो प्रोपोर्शनल है ई माइनस ई नॉट और उसकी पावर एफ। ई नॉट क्या है और एफ क्या है वो हमारा जानना बनता है। तो हमारे पास एफ जो है वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और जो ई नॉट है वो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, सिस्टम की मिनिमम एनर्जी जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3 का लॉग लेते हैं, तो इसका लॉग लेने पे क्या आ जाएगा, एल एन ओमेगा आ जाएगा, और ये क्योंकि इंग्लिश वाले में क्लियर है तो उसमें अपन चल चलते हैं। इसका लॉग लिया तो एल एन ओमेगा आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को अपन क्या करते हैं यहां पर इक्वली हटा, इसको हटा के कॉन्स्टेंट लगा देंगे सी, और जब लॉग लेंगे तो वो यहां पर आ जाएगा, और एल एन सी भी एक कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ पे अपन प्लस कांस्टेंट अलग से लिख देंगे, करेक्ट। देखो मैं इसका लेके बता देती हूँ आपको, यहाँ पर हो जाएगा एल एन ओमेगा इज इक्वल्स टू एल एन सी प्लस जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है एल एन ई माइनस ई नोट, ठीक है। अब एल एन सी एक कांस्टेंट है इसलिए उसको कांस्टेंट रख दिया, एफ एल एन ई माइनस ई नोट, और ये हो जाएगा। तो अब बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हमारे पास था डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा ई, और एल एन ओमेगा ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वाला पार्ट रख सकते हैं, अगर हमारा कांस्टेंट जो है हम उसे मान लीजिए अवॉइड करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा नियरली इक्वल टू ये एल एन ओमेगा की जगह, देखो यहाँ पे रखा है डेल बाय डेल ई, और ये एल एन ओमेगा की जगह क्या रखना है अपन को, एफ एल एन ई माइनस ई नोट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ तो कांस्टेंट है वो वही रह जाएगा, और लॉग x का कितना होता है 1/x, तो f अपॉन e माइनस e नोट आ जाएगा, और फिर e माइनस e नोट का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि e नोट तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है कांस्टेंट रहेगी, और e का कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा अपने पास f अपॉन e माइनस e नोट, ठीक है। और जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हमारे पास kT क्या है, 1/बीटा के इक्वल होता है, और बीटा आपका यहाँ पर ये आ गया, इसका उल्टा कर देना है तो ये हो जाएगा e बार, ई की जगह आ जाएगा इक्विलिब्रियम में एवरेज एनर्जी ई बार माइनस ई नोट, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी का जो लैंग्वेज में है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लो एक बार, इक्वेशन नंबर 4 तक अपन क्लियर है,
फोर के बाद इक्वेशन फाइव तक भी अपन क्लियर है। फाइव में इसका वो लिखा हुआ है, लैंग्वेज जो है वो लिखा हुआ है कि जो टी है वो मूलभूत अवस्था में, मतलब जो आपका जो टेम्परेचर है, एक तो वो ई नोट पर डिपेंड करता है और एक वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बीटा जो है हमारा क्या मिला था अभी हमें इक्वेशन नंबर फोर में, बीटा मिला था हमें एफ अपॉन ई माइनस ई नोट, ठीक है। तो यहां से अगर डेल बीटा बाय डेल ई करो, यानी कि दोनों साइड में ई के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो यहां आ जाएगा बीटा, डेल बीटा अपॉन ई, और इसका देखो एफ अपॉन ई माइनस ई नोट का, तो क्योंकि ई नीचे है तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ को तो बाहर रहने दो और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ई माइनस ई नोट का स्क्वायर, करेक्ट। और फिर ई का कितना हो जाएगा वन, तो ये आ जाएगा माइनस एफ अपॉन ई माइनस ई नोट का स्क्वायर, और ये हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ये वाली चीज तो मैंने आपको समझाई दी, ठीक है। एफ पे डिपेंड कर रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और बीटा हमारा ये था, डेल बीटा बाय डेल ई हमारा ये आ जाएगा, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो डेल टी अपॉन डेल ई अगर अपन निकालते हैं, सपोज डेल टी बाय डेल ई निकालना है, तो वो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, तो डेल बाय डेल ई तो एज इट इज रखते हैं और टी की वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन के बीटा। अब ई के रेस्पेक्ट में अपन को करना है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा बीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले बीटा के रेस्पेक्ट में कर लो, है ना। इस मतलब इस चीज में अगर वेरिएबल चेंज करोगे तो इसको ये भी लिख सकते हो, डेल बाय डेल बीटा फंक्शन के बीटा और डेल बीटा अपॉन डेल ई। मैंने बताया आपको फंक्शन वेरिएबल चेंज करना, मतलब वो अगर ई के रेस्पेक्ट में है और हमें बीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो बीटा नीचे कर दो और बीटा ऊपर कर दो, आ जाएगा। अब इसको तो सोल्व करना आपको आता ही है, वन अपॉन के बीटा कितना होगा, माइनस वन अपॉन के बीटा स्क्वायर, और साथ में डेल बीटा बाय डेल ई जो है वो एज इट इज है। डेल बीटा बाय डेल ई की वैल्यू यहां से अपन को मिली हुई है, माइनस का एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिससे ये पता चलता है यानी कि डेल टी अपॉन डेल ई जो आ रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज, तो इंक्रीज एनर्जी होती है तो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, तो टेम्परेचर जो है वो एनर्जी का फंक्शन हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। हिंदी वालों को ये चीज क्लियरली नहीं दिख रही होगी, इसलिए मैंने इंग्लिश वाले में दिखा दिया था, तो आप इंग्लिश वाले में उसको देख लेना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया और यहां तक अपन ने इसको कर लिया। इसकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई क्या, मैंने मुझे लगा दो ही प्रॉपर्टीज हो गई, हाँ ठीक है तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टी अपन करते हैं, हाँ चौथी प्रॉपर्टी बहुत थ्योरेटिकली हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी में सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि माना, आप सीधा यहीं से स्टार्ट करना, माना ए और बी शुरुआत में टेम्परेचर टी ए और टी बी है और अलग अलग है, एक दूसरे से आइसोलेटेड है। जब इनको ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं तो एक निकाय ऊष्मा ऑब्जॉर्ब करेगा और दूसरा निकाय ऊष्मा इमिट करेगा, और कब तक, जब तक कि दोनों संतुलन अवस्था में इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और साम्य अवस्था में दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और वो मान लीजिए कितना है, टी एफ है, ठीक है। अब यदि ये मान लें कि ए निकाय ने तो ऊष्मा अवशोषित किया है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, और अगर ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ताप में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है कि एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो क्योंकि अब समझना, इनिशियल टेम्परेचर टी ए था और दूसरे के टेम्परेचर कितना था, टी बी था, फिर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने से टेम्परेचर हो गया टीएफ। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ए ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है, अगर ए ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फाइनल टेम्परेचर इसका भी टीएफ है और फाइनल टेम्परेचर इसका भी टीएफ है। अब ए का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, यानी कि उसका फाइनल टेम्परेचर उसके शुरुआती टेम्परेचर से ज्यादा होगा, और बी जो है उसने ऊष्मा उत्सर्जित करी है तो उसका टेम्परेचर घटेगा, यानी जो टीएफ है वो टीबी से कम होगा। अगर यहां पर टीएफ का मान टीए से ज्यादा है और टीएफ का मान टीबी से कम है, तो टीएफ का मान जो है वो ए से बी के बीच में रहेगा। तो कंक्लूजन में हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पर देखिए टीएफ का मान जो है एक रिलेशन से ऐसे बताया जा सकता है, मतलब टीएफ का मान टीए से तो ज्यादा है और टीएफ का मान टीबी से कम है, तो टीएफ का मान जो है टीए और टीबी के बीच में होगा। ये अपना इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो यहां पर ही आप लिखें। तो अब जिसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी जो ऊष्मा अवशोषित कर रहा था
उसे हम ठंडा निकाय बोलते हैं। तो अवशोषित किसने की थी? ए निकाय ने की थी। तो ए जो है वो ठंडा निकाय था, इसलिए उसने ऊष्मा अवशोषित की और उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जिस निकाय का ताप ज्यादा होता है वो उत्सर्जन करता है। बी निकाय जो था उसने ऊष्मा इमिट की थी, तो वो गर्म निकाय था। ठीक है, तो ऊष्मा जो है वो गर्म ताप से कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। आई होप ये आपको समझ में आ चुकी है इसकी प्रॉपर्टीज।